This conference will now be recorded. आज की इस क्लासेस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फॉर्मूला, और फॉर्मूला में लॉजिकल फॉर्मूला में हम नेस्टेड इफ से स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि नेस्टेड इफ का यूज क्यों होता है। तो लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम यूज करते हैं अपना एंड और। तो चलिए हम एंड और से ही स्टार्ट करते हैं, उसी में नेस्टेड इफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं एक छोटा सा डेटा बनाता हूं कि नेम हो गया और यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स हो गए, चार सब्जेक्ट्स हो गए, और यहाँ पे हम एक छोटा सा डेटा बनाते हैं। छोटे डेटा पे क्या होता है, आपको इफेक्ट जल्दी समझ में आता है, बड़े डेटा पे इफेक्ट समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ए हमारा डेटा हो गया। मुझे इस पे रिजल्ट निकालना है, और रिजल्ट निकालने के लिए हमें यहाँ पे पास और फेल का रिजल्ट देना है। और रिजल्ट के लिए क्या करना है कि हमें ये देखना है कि सारे सब्जेक्ट्स में 30 से ज्यादा होना चाहिए। किसी सब्जेक्ट में अगर 30 से नीचे है तो वो फेल होगा, 30 से ऊपर होगा तो पास होगा, एवरी सब्जेक्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल सा हम यहाँ पे एंड का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि दैट इज इक्वल टू 33 कॉमा, और वन बाय वन सारे देते जाएंगे कि इक्वल टू 33 कॉमा, और फिर हमने इक्वल टू 33 एंड वापस इक्वल टू 33 कर दिया। तो अगर सारे 33 होंगे तो रिजल्ट आपका ट्रू अदरवाइज फॉल्स आएगा। माफ कीजिएगा, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू करना चाहिए था, मेरी यहाँ पे एक दिक्कत होगी थोड़ी सी। ठंड का मौसम है ना, इससे दिमाग भी ठंडा भर रहा है सर। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कर दिया, तो जो सब्जेक्ट जिसमें रिजल्ट सही है, जैसे यहाँ पे 32.5 पे लेता हूँ तो ट्रू आते हैं, और जिसपे रिजल्ट सही नहीं है, मतलब कि एक भी नंबर एक भी सब्जेक्ट में वो 3 से मतलब कि 33 से कम है, वहां पे आपको फिर फॉल्स आ रहे हैं। अब मुझे इस फॉल्स को फेल करना है, ट्रू को पास करना है, तो इसके लिए हम इफ का यूज करते हैं। इफ हम बोलेंगे कि यहां पे हम अदरवाइज फेल, बट प्रॉब्लम यह है कि इसमें हम पास और फेल ही दे सकते हैं। किस सब्जेक्ट में फेल हुआ है उस सब्जेक्ट का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि एंड जो है एंड का यूज तब होता है जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होते हैं लेकिन रिजल्ट एक ही होता है। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन के साथ मल्टीपल रिजल्ट्स है, तो वहां पे हम इफ और एंड का इस्तेमाल नहीं, नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो यहां पे मैंने इफ का फॉर्मूला दिया कि इफ, और हमने बोला कि पहले वैल्यू को कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो फिर वापस इफ लगाएंगे हम। तो एक एक करके हम, क्योंकि एक इफ में एक ही कंडीशन दे सकते हैं, इसलिए जितना कंडीशन उतना इफ हम यहां पे देंगे कि इफ, और फिर यहां पे देते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 33 फिर कॉमा वापस इफ देते हैं, और इसको सिलेक्ट करके बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 33। ओके, तो अब पहले को चेक करेगा, पहला अगर हुआ तो दूसरे को, तीसरा हुआ तीसरे को, इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब इसमें अगर चौथे तक आ गए इसका मतलब है कि सारे के सारे सब्जेक्ट 33 से ऊपर है, इसलिए यहां पर हमने पास कर दिया। और यहां पर होता है मतलब कि चौथे सब्जेक्ट में फेल है, तो सब्जेक्ट फॉर फेल। अभी हमने जो क्लोज किया वो अपना चौथा इफ हमने कंप्लीट कर लिया। तो हर इफ के तीन पार्ट होते हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। जैसे इस इफ की देख लीजिए, इसका लॉजिकल टेस्ट ए रहा और वैल्यू ट्रू में आपका चौथा इफ रहा।
हमें फॉल्स देना है, तो फॉल्स के लिए हमने कॉमा दी है, देखिए हम यहाँ पे फॉल्स आ गए, तो यहाँ पे हम बोलते हैं सब्जेक्ट थ्री फेल। फिर वापस ये दूसरे इफ पे आ गई, तो यहाँ पे सेम सब्जेक्ट थ्री फेल। वापस ऐसे कॉमा करेंगे ब्रैकेट क्लोज करके, तो पहले इफ के आ गई सब्जेक्ट वन इक्वल टू फेल। इसको ध्यान से समझिए, हमने यहाँ पे चार कंडीशंस के लिए चार अलग अलग इफ लगे हैं, लेकिन हमने इसको सीक्वेंस में लगाया है। हमने बोला कि अगर पहले सब्जेक्ट में 33 से ऊपर है तो दूसरे सब्जेक्ट को चेक करें, अगर नहीं तो सीधे यहां यहां से बाहर आ जाए। उसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट में हमने बोला कि अगर दूसरा सब्जेक्ट 33 से ऊपर है तो तीसरे को चेक करना है, नहीं तो फिर यहां से बाहर आ जाए। और ऐसे ही आपका तीसरे सब्जेक्ट में चेक किया कि अगर है तो चौथे को चेक करेगा, अदरवाइज यहां तीसरे से बाहर आ जाए। और ऐसे ही चौथे सब्जेक्ट को चेक करेगा, अगर ग्रेटर देन 33 है तो पास का रिजल्ट देना है, अदरवाइज फेल का रिजल्ट देके बाहर आ जाए। तो दूसरा इफ तभी चलेगा जब पहले इफ का कंडीशन ट्रू होगा, और ये हमारा आपके सामने रिजल्ट आ गया। वीर सिंह जी और बाकी लोग, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। डाउट तो नहीं है? नेस्टेड इफ में हमने एंड का एग्जांपल देखा पिछले एग्जांपल में, अब हम और का एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे आईडी प्रूफ में हमने यहाँ पे नेम डाल दिया, और मान लीजिए कि मतलब कि हमें चाहिए पैन नंबर, चार से ले सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं यूआईडी, या ले सकते हैं हम पासपोर्ट, डीएल या वोट। ये हमारे पास आईडी है और उसका स्टेटस हमें देना है। यहां पे इसका स्टेटस शो करना है, तो यहां पे मैं नाम दे देता हूं, इसे मैंने पूजा दे दिया नीरज। अब मान लीजिए कि अगर जो 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 सब्जेक्ट देगा, जिसने पूजा ने पैन नंबर दिया है और नीरज ने यूआईडी आधार कार्ड भी दे दिया, साथ में वोटर आई कार्ड दे दिया, मतलब कि ये फाउंडेशन नहीं है कि एक ही देना, कोई एक से ज्यादा भी दे सकता है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लास्ट क्लासेस में और का एग्जांपल बताया था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि और इज इक्वल टू वाई कॉमा, वापस इसको सेलेक्ट किया और बोला इक्वल टू वाई कॉमा, फिर इसको वापस सेलेक्ट किया और बोला इक्वल टू वाई कॉमा, और वापस हमने डीएल को सिलेक्ट किया इक्वल टू वाई कॉमा, और यहां भी हमने सिलेक्ट किया सेम। अगर और एंड का विपरीत चलता है, एंड ने क्या था कि उसको कोई भी एक नंबर मिला तो हर नंबर मिलने चाहिए तभी जाके वो ट्रू करता, लेकिन इसमें क्या है कि एक भी नंबर मिलेगा, एक भी रिजल्ट मिलेगा तो वो ओके कर देगा, अदरवाइज पेंडिंग। मतलब कि यहां बी थ्री इक्वल टू वाई, सी थ्री इक्वल टू वाई, डी थ्री इक्वल टू, सब में वाई होंगे तो ट्रू देगा, अब किसी में भी नहीं होगा तो फॉल्स देगा। मतलब कि सॉरी मैं गलत बोल दिया, एंड ऐसा होता है, और में क्या है कि अगर इसमें एक भी वाई मिल गया तो ट्रू देगा, अगर सब में वाई नहीं है तो फॉल्स देगा। समझ में आया सर? लास्ट क्लास हमने बताया था ऑप्शनल होता है एनीवन, और होता है एवरीवन, और होता है एनीवन। अब इसी को हम इफ से कैसे करेंगे, तो इफ से करने के लिए आप देंगे कंडीशन कि इफ अगर ए इक्वल टू हमारा वाई है तो यहीं पे यदि आगे जाने का काम ही नहीं है, नहीं वाई नहीं है तो वापस हमने इफ लगाया और बोला ए यहां पे दूसरे वाले को सिलेक्ट किया, बोला
दैट इज इक्वल टू वाई। फिर यहां पे हमने इफ सिलेक्ट किया और हमने इसको सिलेक्ट करके इक्वल टू वाई किया। अब माफ कीजिए यहाँ पे ओके देना भूल गया, हाँ यहाँ पे हम ओके दे देंगे। मतलब कि अगर दूसरे को मिल गया तो तीसरा इफ चेक करने का जरूरत ही उसको नहीं है। और उसी तरह से हम इफ दिए और इसको सिलेक्ट किए और बोले कि दैट इज इक्वल टू वाई, तो यही पे आपका ओके दे दें। फिर वापस इफ हम इसको सिलेक्ट करेंगे दैट इज इक्वल टू वाई, तो यही पे ओके आ जाएगा। फिर यहां पे हम लास्ट में लास्ट वाले एफ पे जब चेक करेंगे यहां पे हम करेंगे लास्ट हम करेंगे करिए, मतलब कि यहां पे अगर बी थ्री वाई है तो ओके कर दो, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा कंडीशन है कि एक भी मिल जाए तो रिजल्ट हम ओके दे देंगे। अगर ए वाई नहीं है तो फिर दूसरे कंडीशन को चेक करो, वाई ए पे ओके कर दो, तीसरे को चेक करो वाई है तो ओके कर दो, या चौथे को चेक करो, पांचवे को चेक करो। अगर सारे चेक करने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं है तो पेंडिंग दे। तो ये हमारा इफ का मेथड था। समझ में आया आप लोगों को सर? सर इसमें एक और क्वेरी लगाई, ये एक और ये, क्या नाम इसका, पूजा को, पूजा और नीरज को ड्रॉप डाउन में ले जाइए वैलिडेशन लगा के। नहीं, नहीं, आप मुझे क्या करना, मुझे क्या करना पता है, मुझे चाहिए मुझे इफ और सॉरी एंड और दोनों लगाना है मुझे। ये तो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला था, ये आपको करना है ना सर, क्वेश्चन आपके लिए है। तो इसके लिए हमने आपको लास्ट में एंड और इकट्ठे लगाए थे कि एंड दैट इज इक्वल टू वाई, और फिर वापस हमने और लगाया था कि और दैट इज, हाँ ठीक है ठीक है, वाई कॉमा दैट इज इक्वल टू वाई इक्वल टू वाई दैट इज इक्वल टू वाई। तो अब फॉल्स आएगा, अगर दो वाई होगा तो टू आएगा, तो यहां पे ओके और पेंडिंग देना था हमें इसके लिए। ठीक है ठीक है। अब इसमें आपको इसी का इफ के जरिए कैसे करेंगे वो आपको देना है, ये आपको ढूंढना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है जी। मैं आ गया आपको सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था इसी में। क्या एंड और दोनों लगाना है, पहले पैन यूआईडी पास, ये दो वर्टिकल ये बनाइए, हेडर बनाइए, पैन और यूआईडी को ट्रांसपोज कर दीजिए और एक जगह एक सेल में रखिए। अब करना क्या चाहते बताइए ना आप, ऐसे बताइए। मैं चाहता हूं कि अगर पूजा के लिए पैन एंड पैन और यूआईडी दोनों होना चाहिए। ओके। और इसके लिए अलग 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 चीज के लिए अलग अलग करना चाहते हैं आप? हाँ जी हाँ जी। तो सर मैनुअल हो जाएगा पूरा ये, पूजा के लिए दो चीज रिक्वायर है, नीरज के लिए तीन होगा चाहे एक होगा, ऐसे और भी नाम होंगे।
नहीं, सपोज दोनों के लिए सेम ही है। लगेगा तो यही मेथड लगेगा जो मैंने बताया आपको, लेकिन अच्छा लगेगा। ठीक है सर, मैं एक बार खुद से करके देखता हूँ, फिर मैं आपको डेटा भेजूंगा। ठीक। चलिए तीसरा नंबर पे चलते हैं, और यहां पे हम करेंगे ठीक है। अब मुझे यहां पे इंसेंटिव देना है, तो मैं चाहता हूं अभी इसकी अगली एग्जांपल में मैं चाहता हूं इंसेंटिव देना कि अगर 0 to 40 हुआ तो यहां पे आपका 500 आए, 40 हुआ 80 हुआ तो यहाँ पे 1000 आए, 81 to 100 हुआ तो यहाँ पे 2000 आए, और greater than 100 हुआ तो यहाँ पे 5000 आना चाहिए। इसके लिए हम बिल्कुल if conditions का इस्तेमाल करेंगे, if में nested if का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जो अभी आपने एंड वाला प्रोग्राम बताया था उसी प्रोग्राम को लेके चलेगा। तो यहां इफ देते हैं कि इफ, और हमने इसको सिलेक्ट किया कि अगर ग्रेटर देन लेस देन, हाँ नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, लेस देन इक्वल टू 40 है तो मैं यहाँ पे 500 दूंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगेन हम इफ लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये लेस देन इक्वल टू 80 है तो यहाँ पे 2000 देते हैं, अदरवाइज फिर वापस इफ लेंगे और देंगे कि अगर लेस देन इक्वल टू 100 है तो यहाँ पे नहीं, ये 1000 होगा ना, तो यहाँ पे 2000 होना चाहिए और अदरवाइज 5000 होना चाहिए। यहाँ पे हर किसी के लिए दिया हुआ है तो इसलिए इसका हम यूज करेंगे, लेकिन वही ये होता कि मुझे यहाँ पे 85 टू 95 वाले को 800 देना है, तो ऐसे अगर बिटवीन होता और एक ही कैटेगरी होता, हर किसी के लिए नंबर नहीं होता, तो वहां पे हम इफ में एंड का इस्तेमाल करते कि एंड अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 85 और स्कोर सिलेक्ट करके बोला लेस देन इक्वल टू 85 है तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे 800 आए, अदरवाइज 0 आए, समझ गया। अब मैं यहाँ पे 86 करता हूं, एक मिनट तो फिर आया भी। अच्छा 85 भी है, मुझे यहाँ पे 95 करना था ना। ठीक है आ गया 85 to 95, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसी में अगर मुझे ग्रेडिंग सिस्टम करना हो तो ग्रेडिंग सिस्टम के लिए भी एग्जांपल हम बनाते हैं प्रागर में। तो तीसरे नंबर, चौथा नंबर, हाँ चौथे नंबर पे हम आते हैं, यहाँ पे नेम होगा और यहाँ भी स्कोर हो गया, जैसे कि अभी थोड़ा देर पहले हमने रिजल्ट्स के लिए बनाया था। तो हम बात कर रहे हैं ग्रेडिंग सिस्टम की, हम ग्रेड देना चाहते हैं। अभी थोड़ा देर पहले आपने एग्जांपल में क्या किया था, हमने किया था, हमने इंसेंटिव दिए थे स्लैब के अकॉर्डिंग, स्लैब के अकॉर्डिंग हम ग्रेड देना चाहते हैं, जैसे कि स्कूल वगैरह में होता है कि अगर 30 से नीचे आया तो उसको मैं सी ग्रेड देना चाहता हूं, 30 टू 60 में आया तो उसको बी ग्रेड देना चाहते हैं, 60 है उसको बी ग्रेड देना चाहते हैं, और यहां 61 से लेके अगर 85 तक है तो उसको ए ग्रेड आएगा, और ग्रेटर देन 85 ए प्लस आएगा।
यहाँ भी हम स्लैब इंसेंटिव भी यूज स्लैब इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो हमने बोला कि अगर C3 अगर लेस देन इक्वल टू 30 है तो यहाँ पे C आना चाहिए। फिर वापस हमने if लगाया, बोला कि अगर A लेस देन इक्वल टू 60 है तो यहाँ पे B आना चाहिए। फिर वापस हमने if लगाया और बोला अगर A लेस देन इक्वल टू 85 है तो नहीं, तो यहाँ पे A आना चाहिए, अदरवाइज A प्लस आना चाहिए। तो से ग्रेड आप दे सकते हैं यहाँ पे, ओके किया आपने, नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए आपके सामने ग्रेड दिया हुआ है कि B3 लेस देन इक्वल टू 33, C3 इस तरह से पूरा दिया हुआ है और ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम बन गया। क्लियर सर? अब चलिए स्लैब इंसेंटिव नहीं करते हैं, हम करते हैं कि पर पीस वाली चीजें क्या होती है। जी सर, जैसे कि इनकम टैक्स का ही ले लीजिए, आज क्या बोला हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया मैंने सर, एक्चुअली मुझे डेटा क्या एक मिनट डेटा जानना था कि वो ऑप्शन कैसे होगा, मुझे आपसे जानना था, क्या जानना था सर आप इसमें शॉर्ट और कैसे शूटिंग में इधर कैसे हो पाएगा इसकी शॉर्ट, मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा क्लास को। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ पे अगला जो एग्जांपल आता है हमें वो आता है इनकम टैक्स का। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स में हम कितना टैक्स देने वाले हैं, कैसे पता चलेगा। तो ग्रॉस इनकम में से आपकी जो डिडक्शन होती है, जैसे कि पीएफ की होती है डिडक्शन, या एलआईसी की होती है, या मेडिकल की डिडक्शन होने के बाद आपका जो नेट अमाउंट बचता है कि इस पे मुझे अब टैक्स देना है, वो टैक्सेबल अमाउंट मैं यहाँ पे डालता हूँ। और फिर हम यहाँ पे टैक्स निकालेंगे कि आखिर मेरा टैक्स कितना होगा। तो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपका लेस देन 3 लाख फ्री है, 3 to 5 लाख आपके 10% देना होता है, 5 to 10 लाख आपको 20% देना है, और ग्रेटर देन 10 लाख आपको 30% देना है। आपका अगर 1 करोड़ से ऊपर होता है, 1 करोड़ से ऊपर होता है तो एडिशनल आप ग्रेटर देन 1 करोड़ होता है तो आप पे एडिशनल एक चार्ज जुड़ जाता है 1% का, 1 या 2% जुड़ता है, इतने परसेंटेज याद नहीं, ठीक है, एडिशनल जुड़ जाता है 30% के अलावा। तो हम कैसे इनकम, कैसे यहां पे टैक्स क्रिएट करें? तो यहां पे ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए कि मैंने अगर 5 लाख का, यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैंने 5 लाख का अगर मेरी अगर ये हुई है तो मुझे 5 लाख का 10% नहीं देना है। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, पीछे के बैकग्राउंड में शोर आ रहा है, प्लीज। ओके, तो यहां पे हम नहीं देना है क्योंकि 3 लाख फ्री है हमारा, तो मुझे 5 माइनस 3 करना है और 5 माइनस 3 फिर जो 2 बचेगा उस 2 का 10% देना है।
उसी तरह से अगर आपकी इनकम मान लीजिए 11 लाख है तो आपको 11 लाख पे 30% नहीं देना है, आपको पहले 3 लाख पे जीरो होगा, फिर दूसरे 2 लाख पे, 2 लाख पे आपका 10% होगा, और फिर आपकी 5 लाख के ऊपर 20% होगा, और फिर 1 लाख के ऊपर 11 30% होगा। ऐसा ही होता है ना सर? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो एस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए यहां पे हम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं कि इफ हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको बोला कि अगर ये लेस देन इक्वल टू है 3 लाख का ही दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, तो जीरो होना चाहिए। ओके, फिर वापस कंडीशन देते हैं कि अगर ए लेस देन इक्वल टू अगर आपका है 5 लाख, 5 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो क्या हो, तो इसमें से माइनस होगा पहले 3 लाख, 5 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और फिर उसका 10% होगा, 10%। ओके, समझ आया आपको? फिर वापस इफ करते हैं, इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 10 लाख हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, तो क्या होगा, तो पहले 3 लाख पे जीरो है, फिर 2 लाख पे 10% आएगा, क्या सर? तो यहाँ पे 2 लाख का 10% आप यहाँ निकाल लें, या फिर कैलकुलेट करके डायरेक्ट प्लस भी कर सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख में से लाख हुआ मल्टीप्लाई बाय 10%, फिर प्लस हम इसको सिलेक्ट करके माइनस करेंगे 5 लाख, क्योंकि 5 लाख तो दे चुके हैं ना हम, जीरो 3 लाख का और 2 लाख का 10%, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और इसका 20%। बनाया आपको सर? तो 5 लाख की 10 लाख की कैलकुलेशन आ गई, और ऐसे ही कैलकुलेशन हम अपनी 20 लाख का करेंगे, ग्रेटर देन 10 लाख का। तो इसको सिलेक्ट किए और हमने बोला कि क्या एक ग्रेटर देन 10 लाख है, तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख। ऐसा हो तो पहले तो हम जीरो देंगे, फिर 2 लाख का 10% क्या होता है सर, 20,000 होता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फिर आपका 5 लाख का 20% होता है 1 लाख, और फिर इसमें हम माइनस करेंगे 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, और इसका होगा 30%। ये आपका रिजल्ट आ गया। अब इसमें मुझे एडिशनल करना है 1%, तो इसी में मैं प्लस कर दूंगा कि इफ अगर ये नंबर इज ग्रेटर देन इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, तो इसमें से माइनस होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख करोड़ का 1%, क्योंकि 1 करोड़ के बाद का हमें करना है ना, 10 लाख करोड़। इसको ब्रैकेट में रख दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड मास मेथड तभी जाकर परफॉर्म करेगा, और जहां जहां आपने किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन वहां वहां ब्रैकेट में रख देंगे तो रिजल्ट आपका सही आएगा। सर
इनकम टैक्स की कैलकुलेशन समझ में आ गई आप लोगों को? ऐसे यहां बिजली का बिल का कनेक्शन भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, किसी को डाउट? बीर सिंह जी, समझ में आ गया आपको? यस सर। यहां पे हमारी फॉर्मूला खत्म होती है लॉजिकल, तो लॉजिकल फॉर्मूला को मैं यहां पे खत्म कर लिया। अगली कैटेगरी हमारी आती है टैक्स की कैटेगरी। तो टैक्स की कैटेगरी को डायरेक्ट पढ़ेंगे या फिर लॉजिकल पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? बोलिए बीर सिंह जी, आपका बैच है, आप ही क्या अकॉर्डिंग चले? हाँ सर, कुछ क्वेश्चन मिल जाता तो ज्यादा सही रहता। नहीं तो आगे कोई अभी क्लास करनी है या क्वेश्चन दे दूं अभी? देख लो सर, क्वेश्चन दे दो ज्यादा अच्छा रहेगा, कम से कम प्रैक्टिस तो हो जाएगा। और टेक्स्ट का फॉर्मूला हम कल करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसी का कोई दिक्कत नहीं है ना? सर आपका तो नहीं, मुझे मैच कोई है। दिक्कत नहीं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। सुजीत सर, हाँ जी, सर मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसको हल कर दीजिएगा थोड़ा सा, देख लीजिए। किसकी क्वेश्चन? हाँ मेरे विष्णु 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 जी, विष्णु बाद में बात करता हूँ, अभी अरे बात करता हूँ आपसे। पहले जी जी क्लास को खत्म कर जी, ओके। देते। तो यहाँ पे हमारे हमने इस के कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं, कुछ बेसिक भी है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी है, कुछ ट्रिकी भी है। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चंस को। ओके, तो पहली क्वेश्चंस आपके सामने आ रही है, वो आ रही है कि मुझे क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 60 है तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय हमें 40 करना है, ठीक है। लेकिन इसको हमें इफ के साथ भी करना है, विदाउट यूजिंग इफ भी करना है। ठीक है ठीक ठीक है, इफ के साथ है, भी करना है और विदाउट यूजिंग इफ भी करना है। डन। और दूसरा हमारे पास यहां पर है, अब इसमें जो है विदाउट यूजिंग इफ आपका ट्रिक्स है। उसके बाद अगर रिजल्ट अगर ट्रू हो, मतलब कि अगर मार्क्स अगर ग्रेटर देन 40 है तो पास, अदरवाइज फेल। उसके बाद ऐसे ही अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन 200 हो तो पास, स्टडी अदरवाइज लोकल। ऐसी क्वेश्चंस में अगर एमआरपी ग्रेटर देन 5% हो तो मुझे 12% टैक्स निकालना है, अदरवाइज 5% टैक्स निकालना है। और ऐसे ही 10 बजे से ऊपर का ड्यूटी है तो यहाँ पे मुझे ओटी देना है, अदरवाइज एनटी देना है। ऐसे ही यहाँ पे अगर ग्रेटर सारे सारे सब्जेक्ट्स में अगर ग्रेटर देन 33 है तो पास, अदरवाइज फेल। इसे हम एंड के साथ भी करना है और विदाउट एंड भी करना है। ओके, नेक्स्ट ठीक है, फाइन, ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेड देना है। ठीक है, डन। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, इसमें हमें इंसेंटिव देना है, इसके अकॉर्डिंग में 85-95 भी करना है, तो मैं बता ही था आपको। क्वेश्चन ठीक है, डन। नंबर 9 में आपको यहाँ पे स्टेटस को देना है, अगर पेन अगर वाई डन, है, ये तो मैंने आपको दिया ही है अभी जो हाँ एग्जांपल, जी, हाँ वही जी। है सर। और इसमें एक फॉर्मूला हमारे पास एक्स और है। एक्स और फॉर्मूला क्या करता है कि आपने जो कंडीशन दिए हैं उसमें से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकता है। जैसे मैं बताना, एक्स फॉर्मूला भूल गया था, यहाँ पे देखिए, अगर मैं क्लासेज जो है हमारा देना है आपको, मान लीजिए किसी को चूज करना है ऑनलाइन क्लास लो या क्लासरूम लो, उसने क्लास को चूज किया है तो ऑनलाइन चूज नहीं करेगा। अगर फिर ऑनलाइन चूज कर लिया तो वहां पे फॉल्स हो जाएगा स्टेटस में, ठीक है? अगर दोनों को उसने ब्लैंक छोड़ दिया, नहीं चूज किया, तो भी फॉल्स होगा। मतलब कि किसी एक में, चाहे ऑनलाइन को चूज करे या फिर वो क्लास को चूज करे, दोनों में से किसी एक को ही चूज करना है उसको, दोनों चूज नहीं करना। तो सर इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होते हैं बहुत सारे जगहों पे, होते हैं जैसे कि आपके ऑप्शंस मिलते हैं, चूज एनी जैसे एक वन। एग्जांपल देना। जैसे कि मान लीजिए ना, आपको आपका आपने एक फॉर्म बनाया हुआ है, राइट, ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म, किसी को ट्रांसफर लेना है,
सिटी वाले जगह पे आपने दिया और उसको आपने क्या किया हुआ है ऑनलाइन कर इसका मतलब कि एक्सेल पे कर दिया हुआ है कि आप अपने ट्रांसफर फॉर्म भर दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा तो सारे फॉर्म जो है आपकी पूरी डेटा जो मुझे मिल जाएगी और उस डेटा के अकॉर्डिंग हम जो है अपना प्रोसेस करेंगे किसको किसको कहाँ ट्रांसफर करना है। समझ गया समझ गया। तो उसमें अगर किसी को सिटी में तीन सिटी आपके तीन जगह के ऑफिस है दिल्ली मुंबई एंड चेन्नई बंदा कोई एक ही चूज कर सकता है ना। अगर मान लो किसी ने बोला यार ठीक है चेन्नई मिल जाए चाहे दिल्ली मिले दोनों में से कोई एक चूज कर ले मैं दोनों चूज कर दिया तो फिर आपका ऑटोमेटिक सिस्टम करवा जाएगा ना। तो सर ये एक्स और का जो फॉर्मूला है मुझे मान लो अगर तीन सिटी उसने दे रखा है तीन कॉलम दे रखा है तो तीनों पर मुझे और की तरह यूज करना पड़ेगा इसको ना। हाँ अच्छा फाइन तो इसी का आपका कोई अल्टरनेटिव आपको रूम में है। ठीक है ठीक है ना डन। इसका यूज हम लोग करते थे ऑफिस में शिफ्ट में लीव के लिए जैसे कि हम लोगों का एक एक्सेल फाइल थी आप वहां पर आप जाकर अपने लीव पर लीव का आप ऑप्शन डाल दीजिए कि आज मैं लीव पर हूं तो उसमें दिक्कत कि एक से ज्यादा बंदे लीव पे नहीं हो सकते हैं। फाइल में किसी एक ने फॉर्म एक ने फिल कर दिया एक्सेल फाइल में जाके ग्रुप वाले फाइल में जाके मैं कल लीव पर हूं तो उस दूसरा बंदा का लीव एक्सेप्ट ही नहीं है वो एंटर ही नहीं कर पाएगा। वेरिफिकेशन लगा हुआ था कि एक ही जगह पे कोई लीव के लिए अप्लाई कर सकता है चार या छह बंदों का हमारा टीम है तो छह में से कोई एक ही अप्लाई कर सकता है। किसी ने पहले अप्लाई कर दिया तो फिर वो दूसरा उस जगह को फिल ही नहीं कर सकता वाई डाल ही नहीं सकता। ओके तो यहां पे हमने एक सॉर्ट लगाया था। ठीक है इसी का अल्टरनेटिव ढूंढना है मतलब कि ये तो एक्सेल फॉर्मूला से है क्योंकि एक्सेल फॉर्मूला आपका लेटेस्ट फॉर्मूला है 2013-16-7 में नहीं है तो इसका कोई अल्टरनेटिव। ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहां भी देना है स्लैब इंसेंटिव इनकम टैक्स की तरह कि किसी ने अगर मान लीजिए 35 सेल किया तो 35 मल्टीप्लाई बाई 20 देना है क्योंकि 40 के बीच में 20 है। किसी ने 45 सेल किया तो मुझे 40 का 20 देना है और 5 का 60 देना है। ओके फाइन 85 दिया है तो 40 मल्टीप्लाई बाय 85 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 60 मतलब कि पहले 40 का 20 देना है फिर 40 का 60 देना है फिर जो 5 बचता है उसको 60 देना है। ठीक है डन। इनकम टैक्स की तरह कैलकुलेट करना है। उसके बाद ये आपको इसमें चलिए हम बताते हैं आपको इसका क्या करना है। इसमें इंटरेस्ट निकालना है। एक बिल्डर है जो कि अपनी फ्लैट को फ्लैट बना के बेचता है और उस पे बुकिंग लेता है तो बिल्डर का कहना है कि मैं पांचवें फ्लोर तक की एडवांस बुकिंग लेता हूं तो फ्लोर लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। ओके और मेरी एमआरपी का 10% बुकिंग अमाउंट होना चाहिए। ठीक है अगर अब खुद कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे मान लेंगे अभी 25 लाख का फ्लैट है और उसे 1.5 लाख की जमा किया 1 लाख नहीं थे तो बुकिंग एक्सेप्ट कर ली जाती है उनको 20 महीने का टाइम दिया जाता है कि 20 महीने के अंदर अपनी बुकिंग अमाउंट वो दे दे बैलेंस बुकिंग अमाउंट को दे दे। अगर कोई बैलेंस बुकिंग अमाउंट नहीं देता है तो 20 महीने के बाद जितना महीना होगा उस पे 17% ईयरली का इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि अगर 1 मार्च को बुकिंग 1 मार्च 2014 को बुकिंग की गई तो आज इसका इंटरेस्ट कितना होगा। तो इंटरेस्ट कितना पे लगेगा 1 लाख पे लगेगा और कितने दिन का तो अगर मान लीजिए 40 महीने हुए हैं तो 20 महीने का ही लगेगा क्योंकि 20 महीना हमारा फ्री है। ओके डन। दिया हुआ कंडीशन दिया हुआ है कि रेट होना चाहिए 17% ईयरली फ्लोर होना चाहिए ग्रेटर देन लेस देन 5 बुकिंग अमाउंट होनी चाहिए लेस 1% ऑफ एमआरपी और डिफरेंट ऑफ मंथ होना चाहिए डेट डिफरेंस डेट टू नाउ ग्रेटर देन 20। यहां पे आपको इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट बस इसमें कोई अरे नहीं है। अब ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूं मेल पे आप लोग उसको बना के मुझे शाम तक दे दीजिए
अब कल सुबह क्लास के समय कोई नहीं भेजेगा, शाम तक भेजेगा, ठीक है? क्लास के समय में दिक्कत हो जाएगी, मैं आपकी फाइल चेक करूं या फिर मैं क्लास लूं? ओके, तो इसमें है वीर सिंह जी हैं, veer.tej@gmail.com, उसके बाद है आपका, क्या है आपकी यूसीजर की ईमेल आईडी क्या है? हेलो, हाँ बोलिए, ईमेल आईडी क्या है आपकी? जयसवाल विष्णु, नहीं वो आपकी नहीं, इनसे पूछ रहा था, बी सिंह से, सॉरी इनकी यूसुफ जी से, ये एसएम यूसुफ है। ओके, हाँ एसएम था वही, हाँ फाइल में अटैच करके आप लोगों को भेज देता हूँ, मुझे बना के फटाफट भेजिए। अभी रिकॉर्डिंग जो है मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग लॉग